हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे थोड़ा और समय मिल गया है क्योंकि 2-3 दिन से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी बिकॉज कि मेरी तबीयत जो है थोड़ी ठीक नहीं थी। तो आज मैंने सोचा, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक और वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों से स्टार्ट करती हूँ बताना कि आम ज़्यादातर जो लड़कियाँ होती हैं या फिर लेडीज होती हैं उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि अधिकांश जब हम सूट जो है अपना समीज सलवार जो भी बोल लो सूट है उसे जब हम सिलवाते हैं तो क्या होता है कि उसका गला जो है हम टेलर को बताते कुछ हैं और कभी कभी मिस्टेक हो जाता है उसमें, गला जो है बहुत डीप हो जाता है आगे का या पीछे का कहीं का भी। तो उसका मैं आज एक सल्यूशन लेके आई हूँ क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। और इस सूट का भी मेरे गला थोड़ा सा डीप है और एक दो सूट भी है मेरे ऐसे जिनका गला जो है बहुत ही ज़्यादा डीप है, तो उसके लिए मैं एक सल्यूशन लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और मुझे सजेस्ट कीजिए कि जो भी सजेशन हो आप लोगों का दीजिए और मैं उसे ज़रूर फॉलो करूँगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे भी बताइए क्वेश्चन है तो। और कैसा लगा ये मेरा ट्रिक जो है, जो सल्यूशन है शूट के गले को लेके, बड़ा गला को छोटा, मतलब किस तरह से हम कर सकते हैं अपने खुद से और देखने में भी अच्छा लगेगा, तो इसका सल्यूशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले कई वीडियो में देखा होगा कि मैं वो पहनी हुई हूँ, तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि उसका जो बाहरी का बाहर का जो पीछे का जो बैक है डीप कलर वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, तो उसे मैं किस तरह से ठीक करने वाली हूँ। चलिए आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी शायद काम आ जाए। तो आप लोग को अगर पसंद आए तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये मेरा जो आइडिया है कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी दिखाना। दूसरा जो है मेरा ये सूट है जिसके बारे में मैं बता रही थी, इसका बैक जो है पीछे का गला जो है काफ़ी डीप है, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे 2-3 सूट ऐसे ही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ इसका सोल्यूशन शेयर करूँ। तो ये देखा तो इसके साथ मैं इसका चूँकि कॉम्बिनेशन ब्लू है तो इस पर मैं ये मेरे पास ये कलर का कपड़ा पड़ा हुआ था, एक वर्क वाला लैस है चौड़ा सा सूट का, इसे मैं इस तरह से होल्ड करके इस पर रख के इस तरह से ये क्या होगा कि एक डिजाइन भी बन जाएगा। इसके बारे में बता रही थी, इसका गला आप इस तरह से, इसको ये चौड़ा था, मुझे ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए था, तो उससे मैंने उससे क्या किया कि डबल फोल्ड कर दिया, उसे मैं फोल्ड कर दिया एक बार तो ये डबल हो गया वो। तो मैं इस तरह से इस पर पिन लगा के पिन करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, पास से भी दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश हो गया, पीछे एक डिजाइन सा हो गया और गला भी जो है छोटा हो गया और डिजाइन सा भी हो गया। इस तरह से अगर इस पर सिलाई हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बैठ जाएगा ये गला पूरा। मैं 2-3 सूट पे अपने इस तरह से ट्राई कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये सोल्यूशन क्यों मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और शायद आप लोगों के भी काम आ जाए। तो ठीक ही पास से, बिल्कुल पास से मैं दिखा रही हूँ, इस पर मैंने पिकअप करके ये लगा के दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। इस तरह से सिलाई करवा देना इस साइड से ऐसे,
पूरा ये एक डिज़ाइन भी हो जाएगा और मैच भी कर रहा है काफ़ी, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो आई होप ये छोटे छोटे ट्रिक्स जो हैं आप इसे यूज करके अपने बहुत से काम जो है इजली आप कर सकते हो, जो सूट का है जैसे गले की प्रॉब्लम है, ये सब सूट के गले का ज़्यादातर प्रॉब्लम हो जाता है, टेलर को बताइए, कुछ कर देते हैं कुछ, कभी कभी ऐसा होता है। तो इसलिए मैं सोची कि क्यों ना ये सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये था मेरा आज का बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स आइडिया, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए, और अगर अच्छा नहीं भी लगा है तो भी सजेशन दीजिए मुझे, डिसलाइक कीजिए बट बात तो कीजिए, कमेंट तो कीजिए, और कोई क्वेश्चंस है तो उसे भी आप ज़रूर पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका जो है जवाब देने की कोशिश करूँगी। और अगर कोई कमी है तो उसे भी बताइएगा, मैं उसे ज़रूर फॉलो करूँगी, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।